मांगे पूरी न होने पर सभी सुपरवाइजर्स द्वारा दिया जाएगा निदेशालय में धरना प्रदर्शन। आज दिनांक 26 जुलाई 2023 को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जनपद कानपुर नगर में श्रीमती मंजू रानी कुशवाहा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बाल विकास परियोजना ससौल, बिदनु, शहर प्रधान, शहर द्वितीय, पतारा, घाटमपुर, भीतरगांव, कल्याणपुर, शोभेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर एवं ककवान आदि की मुख्य सेविकाओं द्वारा अपने अपने कार्यस्थल पर आंदोलन के तीसरे दिवस में काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप काला दिवस के रूप में मनाया गया। आंदोलन का तीसरा दिवस में मंजू रानी कुशवाहा प्रांतीय उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष कानपुर नगर ने बताया कि मुख्य सेविकाओं की मांगों को पूरा करने में निदेशालय के अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं। यदि निदेशालय के अधिकारियों के द्वारा सुपरवाइजर मुख्य सेविका संवर्ग के एसीपी का भुगतान एवं मुख्य सेविका पद से बाल विकास परियोजना के पद पर पदोन्नति दिए गए आश्वासन के साथ मांगों को पूरा किया गया होता तो आज सुपरवाइजर संवर्ग को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऊपर से शासन की पॉलिसी के विरुद्ध स्थानांतरण करके मुख्य सेविका कर दिए गए अपनी मांगों को लेकर मुख्य सेविका संवर्ग में क्रोध एवं रोष व्याप्त है। प्रमुख मांगे, शासन की पॉलिसी के विरुद्ध स्थानांतरण निरस्त करवाना, एसीपी एवं पदोन्नति आदि मांगों को पूरा कराने के लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में निदेशक महोदय को 18 जुलाई 2023 को मांग पत्र दिया जा चुका है। प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार शासन और विभाग को भेजी जा चुकी है। संघ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता है कि हमारे मांग पत्र का संज्ञान लेते हुए हमारी मांगों को पूरा करने में विभाग को यह आदेश जारी करने का कष्ट करें कि समस्त लंबित देयक 31 जुलाई 2023 तक आदेश जारी करने का कष्ट करें। यदि शासन एवं विभाग द्वारा हमारे संघ के मांग पत्र पर समय अंतर्गत हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, संघ के आह्वान पर कानपुर नगर की मुख्य सेविका संवर्ग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन प्रतिभाग करेंगी। आंदोलन की रूपरेखा 24 जुलाई 2023 से 27 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर कार्यस्थल पर विरोध करेंगी। 28 जुलाई 2023 को जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बावजूद भी मुख्य सेविका संवर्ग की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में विवश होकर 1 अगस्त 2023 को निदेशालय इंदिरा भवन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व शासन और विभाग का होगा। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। मैं मंजू रानी कुशवाहा जिलाध्यक्ष कानपुर नगर प्रांतीय उपाध्यक्ष सुपरवाइजर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद उत्तर प्रदेश इस हमारे मुख्य सेविका संवर्ग का 24 जुलाई 2023 से निरंतर काली पट्टी बांधकर अपनी त्रिसूत्रीय मांग के संदर्भ में आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए हमारे कानपुर नगर के सभी ब्लॉक्स की हमारी बहनें अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर अपना आंदोलन कर रही हैं और अपना रोष प्रकट कर रही हैं। इसी तरह से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सुपरवाइजर्स बहनें अपने अपने जनपदों में अपने अपने कार्यस्थल पर इसका आंदोलन कर रही हैं। हमारी इसमें महत्वपूर्ण मांगें ये हैं कि शासन की पॉलिसी के विरुद्ध जो स्थानांतरण किए गए हैं उनको तत्काल रद्द किया जाए। हमारी एसीपी जो कि 6 सालों से विभाग द्वारा नहीं दी गई, जबकि हमें लिखा पढ़ी में उन्होंने आंदोलन के समय भी और उसके पश्चात भी हमें कहा गया कि मार्च 2023 तक हम पूरे सुपरवाइजर संवर्ग की आपकी एसीपी पूरा लगा देंगे। इस तरह से उन्होंने बकायदा मंडल वाइज पत्र भी जारी किया, परंतु अब जुलाई समाप्ति की ओर है, पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 3 से 4 मंडल की लगाई गई एसीपी लगाई गई है, जिसमें भी काफ़ी मुख्यता हमारी जनपदों में छुपी हुई है। हमारी ये मांग है कि 31 जुलाई तक हमारी सबकी एसीपी लगाई जाए। प्रमोशन हमारे विभाग में 2009 के बाद नहीं किए गए, जबकि हमने इसके लिए कई बार आंदोलन किए और पिछले 2021 में हमें लिखा पढ़ी में हमारी डायरेक्टर महोदय ने दिया कि हम मार्च तक आपका अध्याचल भेज देंगे और आपका जुलाई तक करा देंगे। अब 21 से 22 गुजर गया, 23 की भी जुलाई आ गई, अभी तक हमारी जो आपत्ति आई है आपके उसको 2022 में आई है उसमें अभी देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।